उत्तराखंड में होने वाले वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लग गई है, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में चुनाव में उतरने की तैयारियां शुरू कर दी है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने देहरादून पहुंचकर एक पत्रकार वार्ता में बताया कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए चुनावी प्रचार वाहन भी रवाना किए जाएंगे जो 70 विधानसभाओं में केजरीवाल के प्रचार प्रसार का कार्य करेंगे। इस वीडियो के जरिए आम आदमी पार्टी राज्य में 6500 जनसभाएं भी करेंगी। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि आम आदमी पार्टी का लक्ष्य 45 दिन में 1 से 1.5 लाख सदस्य बनाने का है। पिछले 6 महीने में पार्टी के साथ लगभग 1 लाख आदमी जुड़ चुके हैं। इतना बड़ा जनसंपर्क अभियान, इतना बड़ा वीडियो वैन लेके अभी तक नहीं चले। हम लोगों ने दिल्ली में भी इसी तरह से चुनाव लड़ा था, हम गली गली घूमे थे, गांव गांव घूमे थे। यही अभियान अब हमारा काम था, 10 लोगों को जोड़ना। 10 लोगों ने और 100 लोगों को जोड़ा। 100 अगले 45 दिन में अगर 10-10 कार्यकर्ता भी बनाएंगे अपनी सारी जनसभाओं से, तो आराम से हम 45 दिन में 1 लाख कार्यकर्ता। जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सोयल ने आप पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है और मनीष सिसोदिया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिस कारण वह उत्तराखंड पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह देवभूमि में घूमे, उनका स्वागत है। अरे भाई, ऐसा है, सिसोदिया जी आए जाएं, और हो सकता है दिल्ली में थोड़ा पॉल्यूशन ज़्यादा है और उनका स्वास्थ्य थोड़ा वहाँ ठीक नहीं रहता होगा, तो वो देहरादून की तरफ आ गए होंगे। हमारे शहर पे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे वहाँ आते रहें या जाते रहें।